हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आज हम पढ़ेंगे परमुटेशन की वीडियो नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्कुलर परमुटेशन। देखिए, सर्कुलर परमुटेशन पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन रह गया था, उसको मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए क्या है, अगर मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा होता है, जैसे असैसिनेशन, अगर असैसिनेशन दे रखा है और कभी भी बोल दे कि ऑल एस आर टुगेदर, मतलब कुछ इसमें से नंबर्स को क्या बोल दे कि टुगेदर आ रहे हैं, तो कुछ नहीं करेंगे। जैसे अगर एस की जगह ए टुगेदर बोल देता, हम क्या करेंगे? अगर ऐसे बोला है कि all s are together, तो कुछ नहीं करेंगे, आप दोबारा से लिख लोगे a s a i n a t i o n, मतलब जो together के लिए बोला है, क्या बोला है? together के लिए बोला है आपको, तो आप उसको क्या लिख दोगे? सिर्फ एक बार काउंट करेंगे, आप एक बार लिख लेंगे, क्लियर है ना? अब उसके बाद में तो आपको ये करना आता ही है, सिंपल नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 है, तो 10 फैक्टोरियल। अब जो कॉमन है उनको क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे, 1 2 3, ये 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल। अब क्या, कौन सा कॉमन है? n 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, आपकी i 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करना जानते ही हैं, आराम से कर सकते हैं। कैसे होगा, 10 × 9 × 8 × 7, क्लियर है ना, × 6 × 5 × 3 × 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 2 × 2, ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका 8, 3 से 3 जा 9, या 3 से पूरा 3 कट जाएगा, जैसे भी कटेगा आप इसको काट के फाइनल आंसर लेके आ सकते हैं। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन था, अगर ऑल टुगेदर बोल दें, मतलब जैसे एस टुगेदर बोल दे, ए टुगेदर बोल दे, तो उसको एक बार काउंट करेंगे और सिंपली आप उसको सॉल्व कर लोगे, क्लियर है ना? अब देखिए सर्कुलर परमुटेशन को करते हैं। सर्कुलर परमुटेशन बहुत ही इजी है। सर्कुलर का मतलब होता है, देखिए कोई राउंड करके ऐसे बैठा है, मतलब अब देखो ये सर्कुलर परमुटेशन है, हमारे पास 6 पर्सन है, उनको क्या करना है, अरेंज करना है किसी टेबल पर। तो टेबल ऐसे होती है, कुर्सियां लगी होती हैं, क्लियर है ना? तो सब लोग ऐसे ही, अगर कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं ऐसे वाला गोल, तो ऐसे ही तो बैठेंगे ये लोग। 6 पर्सन को मुझे बिठाना था, तो देखो दो तरह से बिठा सकते हैं हम इसको, अरेंज करेंगे। देखो एक तो हो सकता है कि हम क्लॉकवाइज करें, क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलेगी, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है ना? एक होता है नेकलेस। अब नेकलेस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको मैं समझा देता हूँ, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो अगर मैं अरेंजमेंट कर रहा था नॉर्मल, अगर मुझे 6 पर्सन को सेट करना था रो में, तो सिंपल में क्या कर देता, 6 फैक्टोरियल कर रहा था, इजीली यही तो कर रहा था, 6 फैक्टोरियल, 6 वे 5 वे 4 वे 3 2 1, मतलब क्या कर रहा था मैं, 6 फैक्टोरियल कर रहा था इजी से। अब मुझे क्या करना था, अब मुझे सर्कुलर में करना है। अब देखो सर्कुलर में अगर मैंने अरेंज किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर मैं यहां कर रहा था तो मुझे पता था लेफ्ट टू राइट करना है, क्या करना है, लेफ्ट से राइट करना है। तो सिंपल मैं क्या, यहां इसको 6 दे रहा था, इसको 5 दे रहा था, इसको 4 दे रहा था, इसको 2 दे रहा था, 3 दे रहा था, 2 दे रहा था, अगली बार 1 दे रहा था, क्लियर, ऐसे मैं बैठा रहा था। लेकिन अगर मैं इसमें क्या, मैं कंफ्यूज नहीं हुआ कि ये वाला फर्स्ट है या ये वाला फर्स्ट है या ये वाला फर्स्ट है या ये वाला, तो क्या करेंगे हम, एक को फिक्स कर देंगे, क्या कर देंगे, एक को फिक्स कर देंगे, किसी को भी फिक्स कर देंगे, जैसे मैंने इसको फिक्स किया। अब इसको फिक्स करने के बाद आप देख लेंगे कि हम इसके क्लॉकवाइज चल रहे हैं या इसके एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, बस यही पॉइंट है कि मैं क्या कर दूंगा, अब एक को फिक्स कर लेंगे, किसी भी एक को फिक्स कर लेंगे। तो सिंपल अगर मैंने एक को फिक्स किया है यहां से इसको, तो इस पर 1 आएगा, अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो आगे भी कितने बचेंगे, टोटल आप सॉल्व करना जानते ही हैं, क्लियर है ना? तो सिंपल इसके लिए क्या लिख दोगे, जैसे कि अगर 6 पर्सन को मुझे रो में बिठाना था तो 6 फैक्टोरियल, अगर सर्कुलर में बिठाना तो कुछ नहीं करेंगे, 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल, तो समझ गए ना? अगर n फैक्टोरियल उसके लिए है रो के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज ले लें चाहे क्लॉकवाइज ले लें, क्लियर है ना? क्योंकि हमें एक फिक्स करना पड़ता है, पर्टिकुलर हमें देखना पड़ता है एक कौन सा बंदा कहाँ बैठा है, उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं या क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब नेकलेस की बात करते हैं, तो देखो नेकलेस कैसे कुछ ऐसे प्रकार का होता है, नेकलेस गर्दन में, नेकलेस मतलब होता है जो गर्दन में कुछ पड़ा रहता है ना लेडीज के, आपने देखा होगा उसे नेकलेस बोलते हैं। अब नेकलेस में कुछ भी कलर लगे होते हैं ना, ऐसा कुछ प्रकार का नेकलेस होता है उसको, अब अगर आप ऐसे देख रहे हो, अगर वो पलट के ऐसे पहन ले सेम तरीके से, अगर पलट के पहन ले तो उसको ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। तो सिंपल अगर नेकलेस की प्रॉब्लम दे रखी है आपको, इजीली आप उसको क्या करोगे, तो आपके लिए फॉर्मूला क्या था, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, तो कुछ नहीं करना आपको, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, तो मतलब क्या बोल दोगे, एन
1 डिवाइडेड बाय 2 n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यही हमारा क्या है फॉर्मूला है, इसके थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। तो ये नेकलेस के लिए हो गया, नॉर्मल आपके लिए क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसके लिए हो जाएगा, क्लियर। अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है तो मुझे किसी टेबल पर किसी चेयर पर चार लोगों को सर्कुलरी बिठाना है, अब चार लोगों को बिठाना है मुझे, तो सिंपली अगर उसने ये बोला है चार लोगों को बिठाना है तो आप सिंपल बोल दोगे 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल यानी 3, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल सॉरी 3 फैक्टोरियल यानी कितना 6 बेस, सिंपल है। अगर वो बोल दे कि जिस टेबल चेयर पर वो बैठे हैं उनका कलर डिफरेंट है, सेम बोलेगा तो समझ में नहीं आएगा ना, सेम बोलेगा तो हमें क्या पता किधर चल रहा है, ठीक है। अगर डिफरेंट कलर बोल रहा है तो हम कह देंगे रेड कलर से स्टार्ट किया था, तो इसके लिए क्या होगा सेम आप कह सकते हो कि 4 फैक्टोरियल भी बोल सकते हो। और क्या बोल देता है, अगर चेयर्स का कलर सेम है, अगर एक जैसा ही सभी का रेड है, सभी का रेड है तो क्या आपको पता चल जाएगा फर्स्ट कौन सा और लास्ट कौन सा है। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल 4 माइनस 3 कर देंगे हम, 4 माइनस 1 कर देंगे, क्लियर है ना, तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा सर्कुलर के लिए। अगर हमें क्या कह दे चेयर का कलर डिफरेंट कह दे, अलग अलग कह दे, तो हम कुछ नहीं करेंगे सेम, ये तो वही हो गया ना रेगुलर के लिए एक तरह हो गया, तो आप इसमें कुछ नहीं करोगे, सिंपल क्या कह दोगे 4 फैक्टोरियल यानी 24 ही वेज हो जाएंगे, क्लियर। अगर क्या हो चेयर का कलर सेम हो बिठाते टाइम, तो ये ध्यान रखना अगर कलर सेम बोल रहा है तो क्या चेंज करना है, अगर नेकलेस प्रॉब्लम बोल रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 कर देना है उस आंसर में। एक तो क्वेश्चन में करा के आपको समझा देता हूं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, नंबर ऑफ वेज दैट 8 बीट्स, क्या है 8 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स स्ट्रिंग एज अ नेकलेस इज, मतलब 8 बीड हैं वो भी अलग अलग कलर की हैं नेकलेस में, ठीक है ना। अब उनको क्या करना है, हमें चेक करना है कि किस वे से हैं, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ वे पूछेंगे उनको लगाने के लिए 8 बीड्स को। इजीली हमें नेकलेस के लिए मैंने क्या बताया था, कुछ नहीं करना, 8 है तो 8 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या कर देना है 2, यही हमारा फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको क्या था 1 बाई 2 एन माइनस 1 क्लियर फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इजीली हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल का मैं बता चुका हूं आपको क्या है 5040, मैंने कहा था 7 फैक्टोरियल तक आपको लर्न रखने हैं और डिवाइडेड बाई 2, क्लियर क्या हो जाएगा आपका सिंपल 25 और 20, तो ये हमारा 25 20 आंसर होगा, इजीली हो जाएगा। अगर हमें सिंपली वैसे बैठाए जाते हैं तो आप उनको भी कर सकते हो। देखो एक और क्वेश्चन होता है जो क्या बोलता है, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे 11 पर्सन लेने और उनको एक राउंड टेबल पर बिठाना है, ठीक है ना, राउंड टेबल पर बिठाना है, और बोला है उसने सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट टुगेदर बैठेंगे, मैंने बताया था ना टुगेदर के लिए क्वेश्चन आ जाए, जब हमें टुगेदर के लिए कौन दो लोगों को बिठाना है टुगेदर, सेक्रेटरी और उसको, तो देखो एक सीट पर कोई भी सीट फिक्स कर देंगे जिस पर क्या होगा सेक्रेटरी और वो दोनों फिक्स हो गए, मतलब एक साथ बैठ रहे हैं, अगर बंदा यहाँ एक बैठ रहा है तो दूसरा भी इधर से बैठ रहा है, तो क्या कर दूं मैं, तो 11 माइनस 2 कर दूंगा, दो लोग गए फैक्टोरियल तो कितना हो गया 9 फैक्टोरियल बचेगा, क्लियर है ना, तो क्या होगा दो जगह कोई भी फिक्स है, तो अगर हमें इतना तो पता रहेगा ना सेक्रेटरी और यहाँ बैठे हुए, तो 11 माइनस 2 कर देंगे हम, दो लोगों के लिए जगह खत्म, तो 9 फैक्टोरियल, आप दो जगह पर, इन जगहों पर दो ही वैसे बैठ सकते हैं ना, सेक्रेटरी इस जगह पर या वैसे, दोनों तरह से बैठ जाएगा ना, इस जगह पर अगर मैंने फिक्स कर दिया यहाँ सेक्रेटरी है और इस जगह पर क्या है आपका प्रेसिडेंट है, उसके बाद 9 लोगों को बिठा देंगे हम लोग, ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल तरह से इन लोगों को तो बिठा देंगे, इन दोनों को किस तरह से बिठा सकते हैं, दो वैसे, सिर्फ दो जगह पर दो वैसे, या तो इधर या इधर, क्या हो जाएगा इंटू 2, तो 9 फैक्टोरियल इंटू 2, आप ऐसे इन्हें कर सकते हैं आंसर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं कंप्लीट निमसेट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, ये परमोटेशन कॉम्बिनेशन कॉम्पिटिशन हर एग्जाम के लिए, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जरूरत होगी आपको, तो आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।